तो फाइनली यार हम पहुंच चुके हैं मासी, और ये मेरे पीछे है भूमियाल देवता का मंदिर, जो कि मासी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। जो पुरानी कथा है उसके मुताबिक जो है वो ये है कि हमारे एक ऋषि थे, कन्नौज से आए थे, वो कंवर ऋषि थे, ठीक है ना। और वो यहाँ से हम लोग पहले हमारे यहाँ से भी लोग सब बद्रीनाथ पैदल ही जाते थे। अच्छा, जितने भी हमारे इधर के इलाके के लोग हैं, तब कोई ऐसा रास्ता मोटर गाड़ी वाड़ी नहीं थी, जंगली रास्ता था, मोटर मार्ग पैदल मार्ग से जाते थे। ऐसी वो भी गए और ऐसी वापस आए, जो कुछ वापस आ गए। पहले ज़माने में तो राम राम वहीं हो जाती थी, क्योंकि ऐसा समय था, उस समय में रहने खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जंगली रास्ता था। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर में, और बहुत मतलब भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। और देख सकते हो आप लोग यार, यहाँ से एक तो इतना बड़ा इसका प्रांगण है, और मंदिर के बीच में है एक छोटी सी वाटिका, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग यार। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है अपने खूबसूरत गाँव से। और दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, कोई फिक्स नहीं है कि अभी हम कहाँ तक जा सकते हैं, वो तो हम आपको आगे आगे बताते रहेंगे। और यहाँ से तो अभी मेन है माइथम तक जाने का, तो देखते हैं आगे कहाँ तक जा पाते हैं हम आज। और आज का मौसम भी यार थोड़ा ख़राब हो रखा है, देख सकते हो सुबह सुबह बादल आ रखे हैं। और ये देख सकते हैं ये हमारा गांव, आज थोड़ा तबीयत ख़राब जैसी भी लग रही है, क्योंकि हम कल रात गए थे तल्लाकंडा रिकॉर्ड, काल भैरव जो जात यात्रा थी उसको देखने के लिए। और अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप जो मेरा ही पिछला ब्लॉग होगा उसमें आप लोग उसको देख सकते हो। तो यार अभी चलते हैं सीधा रोड पे, और हरी भाई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो सीधा चलते हैं यहाँ से। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने खूबसूरत गांव से मार्केट की तरफ। तो अभी यार हम पहुँच चुके हैं देवागढ़ में, और आज यार काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है स्कूटी मारने से। ये है यहाँ की मार्केट, देख सकते हो अभी दुकानें खुल रही हैं। तो यार अभी थोड़ा देवगान चाय पीते हैं और थोड़ा धूप का आनंद लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है इसलिए। चलिए यार अभी हम निकल चुके हैं देवगान से, और यहाँ पर है हमारे जो खनसर घाटी का पिछेश्वर महादेव मंदिर, जय भोलेनाथ, ये देख सकते हो आप लोग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माई थान में, और आज यार यहाँ पर कुछ ज़्यादा चहल पहल कम है, शनिवार है इसलिए आज थोड़ा कम है भीड़ भाड़ भी, ये देख सकते हो आप लोग। तो यार अब यहाँ से चलते हैं चौकुटिया, और फिर देखते हैं वहाँ क्या क्या सीन आज बन पाता है। तो अभी चलते हैं यहाँ से जल्दी, क्योंकि टाइम आज ज़्यादा हो गया है, 9:30 यही हो गया है। तो चलिए यार चलते हैं यहाँ सीधा। चलिए यार अभी हम निकल चुके हैं चौकुटिया के लिए, और देखिए यार यहाँ की रोड की कंडीशन किस प्रकार से है, और यहाँ तो अभी धूप भी नहीं आई है, वो सामने उन पहाड़ों पर आ रखी है अभी धूप। अभी हम पहुँचने वाले हैं चौकुटिया के मार्केट में, और यहाँ देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और अभी हम जा रहे हैं पुल पार, तो पहले अपना काम निपटाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम जा रहे हैं इस पूरे चौकटिया के मार्केट में, देख सकते हो कितना बड़ा है और कहां से कहां तक है, ये देख सकते हो पूरा दोनों साइड हैं दुकानें, और बीच में देख सकते हो रोड, और लोग भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहां। तो यार दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं चौकटिया में, और यार इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है बाइक स्कूटी में, देख सकते हाथ भी काम नहीं कर रहे, फ़ोन भी मतलब नहीं पकड़ा जा रहा है। तो चलिए यार पहले अपने काम निपटाते हैं यहाँ से। अभी हम आए हैं कैंटीन, और यहाँ पर हरी भाई का काम है, तो पहले वो निपटाते हैं और फिर देखते हैं आगे। तो अभी हम आए हैं पेट्रोल भरने के लिए यहाँ पर, और जो ये वाला पेट्रोल पंप है ये वाला खुल रखा है आजकल हाल ही में नया, जो कि चौकटिया से थोड़ा पीछे को है, और एक पेट्रोल पंप आगे है। तो यार पहले पेट्रोल भराते हैं, और अभी यहाँ का देख सकते हो मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। अभी हम थोड़ा बहुत चौकुटिया में घूम रहे थे, तो हमारा यार अभी सडनली प्लान बन गया यहाँ से मासी जाने का, जो कि चौकुटिया से 7-8 किलोमीटर पर ही है।
तो वहाँ पर एक मंदिर है, भुमियाल देवता मंदिर। तो वो मंदिर में भी यार मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, हरी भाई का दूसरा टाइम है। तो हमारा ऐसे सडनली प्लान बन गया अभी, तो हमने कहा चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी कराते हैं दर्शन। हम पहुंच चुके हैं मासी में, और ये मेरे पीछे है भुमियाल देवता का मंदिर, जो कि मासी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। दिखते हैं आप लोग यहाँ से, चलो यार थोड़ा आपको अंदर से भी दिखाते हैं किस प्रकार से मंदिर है। और ये देख लो आप लोग अभी यहाँ से, तो यहाँ से है भुमियाल देवता मंदिर का गेट, देख सकते हो। तो ये है दोस्तों मेन गेट मंदिर का, तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ मंदिर में, और बहुत मतलब भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। और देख सकते हो आप लोग यार यहाँ से, एक तो इतना बड़ा इसका प्रांगण है, और ये यहाँ अंदर कुछ इस प्रकार से है। चलो यार आप लोगों को अब अंदर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ अंदर किस प्रकार से है। ये देखिए यार यहाँ अंदर भी कितना बड़ा प्रांगण है बैठने के लिए, और एक कुछ छोटे छोटे से मंदिर, और मंदिर के बीच में है एक छोटी सी वाटिका, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और देख सकते हो पूरा मंदिर है, और इतना बहुत मतलब तो बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर है ये देख सकते हो आप लोग। तो अभी मुझे मिला है प्रसाद, इसको ग्रहण करते हैं। और अभी देख सकते हो मंदिर में भी मतलब काफ़ी श्रद्धालु आ रखे हैं आज। जो पुरानी कथा है उसके मुताबिक जो है वो ये है कि हमारे एक ऋषि थे, कन्नौज से आए थे, वो कंवड़ ऋषि थे, ठीक है ना। और वो यहाँ से हम लोग पहले, हमारे यहाँ से भी लोग सब बद्रीनाथ पैदल ही जाते थे। अच्छा, जितने भी हमारे इधर के इलाके के लोग हैं, तब कोई ऐसा रास्ता मोटर गाड़ी वाड़ी नहीं थी, जंगली रास्ता था, मोटर मार्ग पैदल मार्ग से जाते थे। ऐसी वो भी गए और ऐसी वापस आए, जो कुछ वापस आ गए। पहले ज़माने में तो राम राम वहीं हो जाती थी, क्योंकि ऐसा समय था, उस समय में रहने खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जंगली रास्ता था। वो आ गए तो यहाँ हमारे एक रामदास एक घाट है, यहाँ पर रुक गए। यहाँ रुक करके उन्होंने यहाँ पर अपना निवास स्थान बना दिया। हम उन्हीं की, रामदास के नाम से हम जो है उन्हीं के उसमें से पूर्वजों में से बन रहा है, हमारे वंशज हैं हमारे, और हमारा उनका गोत्र भी जातुकर्म गोत्र था, और हमारा भी वही जातुकर्म। दूसरा उसके बाद कुछ यहाँ पर पहले ज़माने में चलता रहता था, जो होता है तंत्र मंत्र यात्रा जो होती थी ना, जो उसमें दो पक्षों में कुछ वो हो गया बाद भी बात, जैसा कौन तू बड़ा है या मैं बड़ा हूँ इसमें, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये वो हो। उसके बाद यहाँ पर एक भूमिया की देवता की जो जहाँ मैंने स्थापना करी है, उस वहाँ पर एक दिया जैसा जहाँ, जैसे तेज कुंड ऐसे दिया जहाँ, वो दिए को स्थान पर आकर के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया, पहले पत्थर का। आज ये इतना विशाल काय मंदिर है सारा, इसको बनाया। कितने साल हो गए इस मंदिर को बने हुए, कितने साल हो गए इस मंदिर को बने हुए? कम से कम 10-15-20 साल तो हो गए कम से कम। इसको बनाने में भी एक रामस्वरूप मासी वाला हमारे यहाँ इस मंदिर के अध्यक्ष हैं, वो नोएडा में रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, यहीं रहते हैं वैसे। अच्छा, तो उन्होंने ये सब करा। फिर उसके बाद एक होता है, जब हमारी जैसे बिटिया है या कोई हमारे जो है, हम जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो अपने ससुराल रहती है, जब उसको कोई संतान लड़के की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वो यहाँ आकर के भुमिया बाबा को पूजा देते हैं। इसका पुराना मंदिर वो गधेरे के अंदर, अच्छा गधेरे के अंदर वहाँ बलि पूजा या अटम सटम सब पहले होती है, और एक हमारे गुरु देवता रहते हैं ऊपर टॉप में, वहाँ पूजा होती है। अच्छा, यही कथा है यार। पूरा मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, और उसके बाद हमने आप लोगों को थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताया, जो यहाँ के लोगों ने हमें इस मंदिर के बारे में बताया कि इस मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हुआ। और देख सकते हो यार मेरे पीछे कितना बड़ा ये मंदिर है, और काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है यार कि हमारे क्षेत्र साइड भी ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं। तो चलिए यार अब चलते हैं यहाँ से सीधा चौखुटिया, और इस मंदिर में भी अच्छे से हमने दर्शन कर लिए हैं। और ये भी यार एक मन में ड्रीम था कि एक बार
यहाँ के मंदिर जरूर जाना है। कोई भी आज पूरा हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज हम इस मंदिर तक भी आ गए। तो चलिए यार अब चलते हैं यहाँ से सीधा। तो यार अभी आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा मासी का मार्केट, ये देख सकते हो कितना है। मुझे तो जुकाम लग गया है। तो यार अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।